वाले हाँ, बाप हो या आशिक। नीलू, मेरे सामने ज्यादा बदतमीजी नहीं, समझ में आया ना? तो सर हम और क्या करें, आपके सामने नागिन डांस करें? चुप, मजाक लगा यहाँ पे। वो लड़का कौन था, कैसे आया अंदर, किसके कहने पे आया था? बॉयफ्रेंड है त्रिशा का। क्या कहा, बॉयफ्रेंड? क्यों, अंधी लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते क्या? ये सिर्फ आप आंख वाले ही लव सेक्स और धोखा कर सकते हैं। Shut up, just shut up। अरे क्यों करें हम shut up? क्या किया है हमने? लड़कों से मिलना गलत है क्या? तू शादी नहीं करेगा, हैं? ए नीलू चुप कर, वो टीचर है ना हमारे। ए चुप कर बे, तू अपनी वाइफ के साथ नहीं करेगा तो हमको क्यों रोक रहे हैं? गया क्या है? मैम ये लड़कियां आंखों से तो लाचार हैं, लेकिन इनकी नीयत और इनकी जबान मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखे हुए हैं। सब नहीं, पेड़ पे सारे फल सड़े नहीं होते। मैम लेकिन दो चार सड़े हुए फल सबका दिमाग भी तो सड़ा सकते हैं ना। ये नीलू, सविता और त्रिशा, मैम यहां तक सुनने में आया है कि इनसे कुछ लड़के बाहर से मिलने आते हैं, वो अपने चौकीदार मनोहर है ना, उसने खुद बताया मुझे। और गलती से अगर आप कुछ उनसे पूछने चले जाओ तो काटने को दौड़ती है मैम। थोड़ा सबर करो रजत, कल आ ही रही है माया पाटिल, पुणे के ब्लाइंड स्कूल से, काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो पढ़ाएगी भी और इस हॉस्टल की वार्डन भी वही होगी, फिर देखना सब कैसे डिसिप्लिन में होगा। मैम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप देख लेना, माया भी बाकियों की तरह ना एक दो दिन हो जाएगी, बाकी जैसे आए और चले गए। आज से मैं यहाँ पढ़ाऊंगी और तुम लोगों के साथ हॉस्टल में भी रहूंगी। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले रह सकते हैं। जरूरत तो सबको होती है, बस बच्चों को नहीं। ए, तू क्या है, चपड़ चपड़। Shut up। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये मेरी बेटी है, स्वीटी। ये भी पढ़ाएगी क्या? नहीं। तो जैसा मैं बोल रही थी, जरूरत हो ना हो मैं रहूंगी और सब नियम से चलेगा। तुम सब लोग यहाँ पढ़ लिख कर कुछ बनने आए हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने हो गया इसका भाषण शुरू। इन लड़कियों को तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है। ओए चपड़ चपड़ बंद कर, वरना अभी मैं तुझे मैनर्स सिखा दूंगी। ए चल वे चल। देख रहा हूँ मैं। क्या क्या हुआ? छुट्टी। कौन है यहाँ? ये चौकीदार की आवाज है। मेरी बेटी को मार डाला, मार डाला तूने मेरी बेटी को, मेरी बेटी को मार डाला। हमने नहीं मारा सर, साहब हमने नहीं मारा, प्लीज सर, इसी ने मारा है मेरी बच्ची को। मैं वॉचमैन पे एक्शन लेने वाली थी, इसके रहते हॉस्टल में लड़की घुसाते थे, मैंने एक वीडियो भी देखा था सर, ये उन लड़कों से मिला हुआ, जब मैंने इस पे एक्शन लिया। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुमको, अगर आगे से कुछ हुआ ना तो छुट्टी होगी तुम्हारी। इसने मेरी स्वीटी को ही मार, इसने बदला लिया है मुझसे। जब सुबह मैं प्रिंसिपल के केबिन के बाहर निकली तो ये मेरा पीछा कर रहा था। मैडम ऐसा मत कीजिए, मैडम हमारे बात सुनिए, मैडम ऐसा मत कीजिए, तो मैडम हमारे बात सुनिए, मैडम मैडम दरवाजा खोलिए, मैडम ऐसा मत कीजिए, हमारा परिवार है मैडम, देखिए हमारे बच्चे हैं, मैडम मैडम दरवाजा खोलिए, मैडम खोलिए। देखो मैं कल क्या करती हूँ। और जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा ये स्वीटी को लेकर बैठा था। किसी ने मेरी स्वीटी को मारा है सर। स्वीटी बर्थडे क्यों जाना? मेरी बच्ची स्वीटी। बेटा
बहुत बोलती थी सर, नीलू ने तो उसका नाम भी रखा था चपड़ चपड़। बड़ी बदतमीजी से बात करती थी सर। नीलू ने उसे एक दो बार बोला भी, पर वो इतनी सी बच्ची पलट के जवाब देती थी। अरे नहीं नहीं सर, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही क्यूट थी। अच्छा, मैंने तो सुना है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता था उस पर। अरे नहीं सर, बच्ची तो बहुत ही प्यारी थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये लोग बकवास कर रहे हैं सर, स्वीटी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। सर, स्वीटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है। उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है सर, वो रिपोर्ट कल शाम तक आ जाएगी। सभी आरोपियों के सैंपल्स भेजें, उस चौकीदार के, माया के पति परेश के और उन लड़कियों के भी। सर, माया के कॉल डिटेल्स। माया एक नंबर से लगातार बातें कर रही थी। किसका नंबर है? रजत वर्मा। रजत वर्मा कौन? सर, ये रजत वर्मा माया के साथ उस स्कूल में टीचर है। दोनों एक दूसरे से इतनी बातें कर रहे हैं, जरूर इनके बीच कुछ ना कुछ तो है। उस चौकीदार ने भी कहा था कि माया के कमरे में रात में कोई तो जाता है। सर, कुछ मिलने आता है रात को मैडम को। यही जाता होगा, रजत वर्मा। नहीं सर, मैं कभी कभी जाया करता था, और सर वो भी दिन में सिर्फ जाता था मैं। अच्छा, इस कैंपस में जो सारे कमरे हैं, तो आप टीचर्स लोग कैंपस में ही रहते हैं? हाँ सर, हम सब यहीं रहते हैं सर। ओके, और तुम्हारे और माया के बीच मतलब कुछ? सर, हम सिर्फ कलीग्स हैं, और मैं पिछले 8 साल से सर यहाँ पढ़ा रहा हूँ। माया ने तो सर ज्वाइन किया अभी। नहीं तो फिर तुम दोनों के बीच इतने फोन कॉल्स क्यों होते थे? हाँ, दिन में 12-13 बार हमने आपके कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, वो काम के सिलसिले में हमारी बात होती थी सर, बच्चों के स्टडीज, उनके प्रोजेक्ट्स, ये सब करने होते थे, इसलिए बात होती थी। मर्डर स्पॉट पर हमें वो दुपट्टा भी मिला था। इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो तरीका जिस तरीके से हम पुलिस वाले काम करते हैं, और वो था माया के हाथ में मिले बाल का डीएनए रिपोर्ट। उसी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे थे। सर, माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। क्या मिला? सर, दो चीजें सामने आई। एक तो ये कि माया की मौत शरीर पे लगे चोट की वजह से नहीं, गला घोटने की वजह से हुई, और दूसरी ये कि माया प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? सर, इसका मतलब वो रजत को सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, और अगर उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है तो। नहीं सर, हमने उनका गला नहीं घोटा था। सर, हमने उन्हें स्टंप से मारा था जो जुगल ने दिया था। हाँ सर, स्टंप से मारा था। उसको मार के क्या करूंगा सर, बेटी तो गई, और जिस दिन ये सब कुछ हुआ मैं पुणे में था सर। किसी को भी पूछ लो, मेरा सेट उधर है। अब आप पूछ लीजिए सर। सेट का नंबर? हाँ, सेट का नंबर। हाँ शोभा, मैं आते वक्त लेते आऊंगा सब्जी, हरी सब्जी लाऊंगा। अरे नहीं बाबा, आलू खाना बंद कर दिया मैंने। हाँ चलो, अभी रखो फोन, तुम रखो, बाय। हाँ बोलो। सर, मैंने पता किया कि परेश सच कह रहा है, माया के मर्डर के वक्त वो पुणे में था। मैंने ये बात उसके सेठ से कंफर्म भी की। तो अगर परेश ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर, माया के हाथों में जो बाल मिले थे उसके डीएनए रिपोर्ट। सर, किसी प्राइम सस्पेक्ट से मैच हो रही है? किसी से नहीं, सिवाय चौकीदार के। चौकीदार? लेकिन ये कैसे हो सकता है, माया के मर्डर के वक्त वो जेल में था। रिपोर्ट ये कह रही है गायकवाड़ के चौकीदार से कुछ परसेंट तक डीएनए मैच हो रहा है। कुछ परसेंट तक मतलब? हमें क्यों लाए साहब? तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत झड़ते हैं। बाल? माया की डेड बॉडी पर जो बाल मिला है वो तुम्हारा है। अब पूरी कहानी तुम हमें बताओगे या हम? हमारे भाई की इज्जत उतार के रख दी उस औरत ने, जेल भेज दिया उसे। हमने तय किया उस रोज तुम लोग यहाँ। चलो चलो। हमने चेक किया, वो जिंदा थी। हमने अपने हाथों से उसका गला काट दिया। कौ आदमी हमारा भाई।
उसकी इज्जत हमारी इज्जत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।